वेलकम टू सॉरी स्टेट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस प्रॉब्लम 1.4 आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं। ए कंपाउंड इज फॉर्म बाय टू एलिमेंट्स ए एंड बी। एक कंपाउंड है जो दो एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है और ये दो एलिमेंट्स के नाम क्या है ए और बी। द एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म्स सीसीपी स्ट्रक्चर। सीसीपी ये क्रिस्टल का नाम है और एटम बी जो है ये पूरा क्रिस्टल फॉर्म कर रहा है, यानी इस क्रिस्टल का जो मेन एलिमेंट है वो एटम बी है। द एटम्स ऑफ ए ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो एटम ए जो है ये कहाँ पर रखे हुए हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर रखे हुए हैं, और कितने टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई किए गए हैं 1/3। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो हमको फार्मूला पूछा गया है कंपाउंड का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये दो एलिमेंट्स यहाँ पर लिखेंगे, पहला एलिमेंट ए है और दूसरा एलिमेंट बी है। एटम बी जो है ये सीसीपी फॉर्म कर रहा है। एटम बी सीसीपी स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है और एटम ए कितने हैं 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड के 1/3 है, इसलिए हम 1/3 1/3 इंटू टेट्राहेड्रल वॉइड। हमको फॉर्मूला पूछा गया है, सबसे पहले हम नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड मालूम करेंगे। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड किसी भी क्रिस्टल में कितने होते हैं, उस क्रिस्टल में जितने एटम्स होते हैं उसके डबल जो है टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 2n। ये फॉर्मूला फिक्स है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ n, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट क्रिस्टल। तो यहाँ पर हम कौन से एटम्स कंसीडर करेंगे, एटम ए कंसीडर करेंगे या एटम बी कंसीडर करेंगे। इसके लिए हमको ये सोचना पड़ेगा कि क्रिस्टल का जो मेन एलिमेंट है, मेन एटम कौन सा है, एटम बी है या एटम ए है। तो इसके लिए आप प्रॉब्लम को ध्यान से पढ़िए। प्रॉब्लम में लिखा है द एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म्स सीसीपी स्ट्रक्चर, यानी सीसीपी का जो मेन एलिमेंट है वो एटम बी है। इसलिए हम यहाँ पर एन की जगह पर नंबर ऑफ एटम्स यानी कि बी रखेंगे। तो इसलिए 2 × n की वैल्यू क्या रखेंगे, एटम बी। तो इसका आंसर आ जाएगा 2b। अब हमको नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए ये इक्वल टू क्या होंगे, 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। अब वैल्यू पुट अप करेंगे, 1/3 नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड की वैल्यू अभी आई हमको, कितनी आई, 2b। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3b, ये नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए आ गए हैं। b
बी को मैं लेफ्ट साइड में लेना चाहता हूँ तो वो कहाँ पर जाएगा, अपॉन में आएगा, ए अपॉन बी इक्वल्स टू 2/3 ऐसे हो जाएगा। तो ए अपॉन बी असल में ये रेशो है ए और बी का, तो ए इज टू बी ऐसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 2:3। तो फिर यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए कितने हो गए 2 और बी के कितने एटम्स हो गए 3। तो फॉर्मूला क्या तैयार होगा A2B3, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है A2B3। ओके प्रॉब्लम 1.5 पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। नियोबियम फॉर्म्स BCC स्ट्रक्चर, द डेंसिटी ऑफ नियोबियम इज 8.55 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ यूनिट सेल एज इज 330.6 पिकोमीटर, हाउ मेनी एटम्स एंड यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन 0.5 ग्राम ऑफ नियोबियम। बच्चों यहाँ पर क्या क्या दिया गया है और क्या क्या मालूम करना है वो पहले हम एक लिस्ट की शक्ल में लिख लेंगे। पहले लास्ट सेंटेंस आप पढ़िए, हाउ मेनी एटम्स, यानी यहाँ पर आपको नंबर ऑफ एटम्स मालूम करना है, नंबर ऑफ एटम्स। ओके और क्या मालूम करना है आपको, नंबर ऑफ यूनिट सेल मालूम करना है, नंबर ऑफ यूनिट सेल मालूम करना है। और आपको क्या दिया गया है, आपको एक बहुत बड़ी हिंट दी गई है कि जो स्ट्रक्चर है ये बीसीसी है। उसके बाद डेंसिटी कितनी दी गई है, डेंसिटी का सिंबल बताइए, रो इज इक्वल टू 8.55 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ यूनिट सेल एज, यानी एज की लेंथ, इसके लिए सिंबल क्या है, एज लेंथ के लिए सिंबल हमारे पास फिक्स है ए, ए इज इक्वल टू 330.6 पिकोमीटर। और एक चीज लास्ट में दी गई है 0.5 ग्राम ऑफ नियोबियम, 0.5 ग्राम, ग्राम है यानी कि मास है और ये मास हमको दिया गया है यानी कि गिवन मास है और गिवन मास के लिए हमारे पास सिंबल क्या है एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0.5 ग्राम। ओके अब हमारे पास अगर मास दिया गया है तो नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला है उसके बारे में हम सोचेंगे। नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला पहले से ही फिक्स है हमारे पास, ये हमने डिराइव कर चुके हैं लास्ट टाइम, एक्स एन डिवाइडेड बाय रो ए क्यूब। ओके ये फॉर्मूला है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स, गिवन मास। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सॉरी एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल। उसके बाद रो यानी कि डेंसिटी और ए मतलब एज लेंथ और जब ए क्यूब लिखते हैं यानी कि वो क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ओके तो अब यहाँ पर और एक फॉर्मूला हम देखेंगे कि नंबर ऑफ यूनिट सेल हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। इसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला फिक्स है, एक्स अपॉन रो ए क्यू। ओके तो ये दो फॉर्मूले की मदद से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्मॉल एन की वैल्यू क्या होगी ये देख लेंगे। बच्चों हमको बीसीसी दिया गया है, क्रिस्टल का नाम बीसीसी है, तो बीसीसी में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, 1, 2, 3, 4 कितने होते हैं,
टू होते हैं, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एन की वैल्यू लिखेंगे टू। क्यों लिखे टू? क्योंकि दिया गया जो स्ट्रक्चर है वो बीसीसी का है। ओके, उसके बाद यहाँ और एक चेंज हमको लाना है कि जो एज लेंथ दी गई है वो पिकोमीटर में दी गई है और उसको हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू कितना है? 10^-10 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर उसको कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में, 330.6 इंटू 10^-10 सेंटीमीटर। इसको हम थोड़ा सिग्निफिकेंट वैल्यू बनाने के लिए जो पॉइंट है उसको हम लेफ्ट साइड में आफ्टर टू डिजिट उसको शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे 3.306। तो ये कितना हो जाएगा? आपने 2 डिजिट से शिफ्ट किया है लेफ्ट साइड में, तो इसलिए 10^-8 हो जाएगा सेंटीमीटर। ओके, तो ये ए की वैल्यू हमने सेंटीमीटर में की है। चलिए अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स हमको कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ एटम्स हम कौन सा फार्मूला यूज करने वाले हैं? जो पहला फार्मूला ऊपर वाला एक्स एन डिवाइडेड बाय रो इंटू ए क्यूब, ये फार्मूला आप देखिए। तो एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप करेंगे 0.5 ग्राम, एन की वैल्यू कितनी है 2, डिवाइडेड बाय रो की वैल्यू कितनी है 8.55, ओके, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ cm^-3, क्योंकि हमको बाद में इसको कैंसिल करने में आसानी जाएगी, इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3.306 इंटू 10^-8 टू द पावर 3। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0.5 इंटू 2 इसका आंसर आ जाएगा 1 ग्राम लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 8.55 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इंटू 3.306 का आप क्या देखेंगे बच्चों? क्यूब देखेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। तो वो क्यूब आ रहा है 36.13। उसके बाद 10^-8 और उसका पावर 3 है, तो ये दो पावर के बीच में क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन होगा। 10^ क्या हो जाएगा? 8^3=24। ओके, अब हम यहां पर इसका जो सेंटीमीटर यूनिट रह गया था, तो सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। तो जो कॉमन आपको यूनिट्स नजर आ रहे हैं पहले आप उनको कैंसिल कर दीजिए। देखिए न्यूमरेटर में ग्राम है और डिनोमिनेटर में ग्राम है, इसको कैंसिल कीजिए। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर में देखिए cm^-3 है और इधर cm^+3 है, तो ये cm-3 cm+3 कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हमको सिर्फ यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर आएगा, नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ, वन अपॉन 308.91 इंटू 10^-24। ओके, सारी यूनिट हमने कैंसिल कर दिए हैं। अब यहां पर हम थोड़ा 308.91 को एक सिग्निफिकेंट वैल्यू बनाएंगे, यानी फ्रैक्शन को हम 2 डिजिट से
शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड में, 3.08 बना देंगे इसको, और 9, ये वन वैल्यू को हम अवॉइड कर सकते हैं, सिग्निफिकेंट वैल्यू इतनी है, इंटू 10^-24। सॉरी, अब इसको आपने लेफ्ट साइड में टू डिजिट से आपने इसको शिफ्ट किया है, इसलिए यहाँ पर अब जो है कितना बचेगा, 10^-22 बचेगा। ठीक है, और अब आप 3.089 का रेसिप्रोकल देखेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉग बुक, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0.323 इंटू 10^, जब ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा 22। आप यहाँ पर पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हैं राइट साइड में, आफ्टर वन डिजिट सिग्निफिकेंट वैल्यू 3.23, तो यहाँ पर कितना बचेगा फिर, 10^21। तो ये फाइनल आंसर आया है बुक में, जो आंसर आया है 3.25 और हमारा आंसर 3.23। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि बुक में जो है कैलकुलेटर से सॉल्व किया गया है और हमारा जो आंसर है विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल, इसलिए ये थोड़ा सा चेंज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो हम नोवेयर कर सकते हैं। अब उसके बाद हमको नंबर ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक्स डिवाइडेड बाय रो ए क्यू। सिंपली वैल्यूज पुट अप करना है, एक्स की वैल्यू कितनी है, 0.5 ग्राम डिवाइडेड बाय रो की वैल्यू कितनी है, 8.55 ग्राम cm^-3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 3.306 इंटू 10^-8 सेंटीमीटर (3). तो 0.5 ग्राम एज इट इज, 8.55 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर एज इट इज, 3.306 का क्यूब जो हमने लास्ट टाइम भी देखा है वही आएगा, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं रहेगा, 36.13 मल्टीप्लाइड बाय 10^24 यानी -24 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या क्या कैंसिल होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन क्या है, ग्राम, उसके बाद डिनोमिनेटर में cm^-3 और cm^+3। ओके, तो अब क्या बचा यहाँ पर, 0.5 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 5×10^-1 डिवाइडेड बाय 8.55 और 36.13, इनका जो मल्टीप्लिकेशन जो लास्ट टाइम ने देखा वही रहेगा, 308.91×10^-24। ये -24 को जब हम ऊपर शिफ्ट करेंगे उसके बाद हमने क्या किया कि 10^-24 को ऊपर शिफ्ट कर दिया तो वो +24 हो गया, इसको देखिए आप, और 10^-1 इंटू 10^24 इनका सॉल्यूशन क्या आएगा, -1+24 इसका आंसर आएगा 23, 10^23। उसके बाद 308.91 को हमने सिग्निफिकेंट फिगर बनाया, 3.089, यानी कि हमने यहाँ पर पॉइंट को शिफ्ट किया है लेफ्ट साइड आफ्टर टू डिजिट, तो इंटू 10^2 आ जाएगा, और 10^2 जब ऊपर शिफ्ट होगा तो 10^-2 हो जाएगा,
ओके उसके बाद 10 टू द पावर 23 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, इसका आंसर कितना आएगा 10 टू द पावर 21। अब यहां पर 5 अपॉन 3.089 को हमने इस तरह से लिखा है 1 अपॉन 3.089 इंटू 5, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो हमने यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमको 3.089 का हम रेसिप्रोकल इजीली देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉग टेबल। तो इसका रेसिप्रोकल आया 0.323 इंटू 5, इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया 1.615 इंटू 10 टू द पावर 21। तो यहाँ पर ये जो लास्ट डिजिट है 5, ये 4 से बड़ा होने की वजह से हमने इसको सिग्निफिकेंट फिगर बनाया अप टू 2 डिजिट। तो 1 को हमने क्या बना दिया, 2 बना दिया, 1.62 इंटू 10 टू द पावर 21। तो क्या आया बच्चों, ये नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। ओके प्रॉब्लम 1.6 चलिए पढ़ते हैं क्या है ये। ए कंपाउंड फॉर्म्स एच सी पी स्ट्रक्चर, एच सी पी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर तैयार करता है कंपाउंड, व्हाट इज द नंबर ऑफ, ए क्वेश्चन है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हैं वो मालूम करना है, बी है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हैं वो मालूम करना है, और सी है टोटल वॉइड्स फॉर्म इन 0.4 मोल ऑफ इट। यहाँ पर लास्ट सेंटेंस में बहुत इंपॉर्टेंट डाटा हमको दिया गया है 0.4 मोल, ये क्या है बच्चों, अमाउंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें पूछी गई है, हम एक बार इसको लिस्ट के फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले हमको पूछा गया है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, उसके बाद पूछा गया है नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, उसके बाद पूछा गया है टोटल वॉइड्स, और हमको यहाँ पर क्या दिया गया है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट दिया गया है कितना दिया गया है 0.4 मोल। अब हमको ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे मालूम करना है, इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, देखिए नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू क्या होता है, एन होता है, व्हाट इज एन, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट क्रिस्टल। तो जितने भी एटम्स वहां पर प्रेजेंट रहेंगे उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड वहां पर प्रेजेंट रहेंगे, और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इसका फॉर्मूला क्या है इज इक्वल टू 2n, यानी जितने भी नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे उसके डबल करने पर हमको टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेंगे। लेकिन यहां पर हमको n मालूम नहीं है, व्हाट इज n, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स हम कैसे मालूम करेंगे, ये 0.4 मोल की मदद से। देखिए हमको ये पता है कि 1 मोल कितना होता है, इक्वल टू कितना होता है एन ए, व्हाट इज एन ए, एवोगैड्रो नंबर, और ये नंबर तो फिक्स होता है आपको मालूम है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब आगे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर हम काय में इंटरेस्टेड है, नंबर ऑफ एटम्स में, तो यहाँ पर हम एटम्स लिखेंगे। तो 1 मोल सब्सटेंस में कितने एटम्स प्रेजेंट है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। तो हमको कितने मोल दिया गया है, 0.4 मोल के अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट रहेंगे। ओके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो इसका आंसर आएगा बच्चों 2.4098 इंटू 10 टू द पावर 23। तो ये आ गए हमारे पास 0.4 मोल में इतने एटम्स प्रेजेंट है, ये एटम्स है।
तो अब हम नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड मालूम कर सकते हैं, यानी हमने यहाँ पर ये एन की वैल्यू मालूम की है। एन आपको एन और एन ए के बीच में कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एन ए का मतलब है एवोगाड्रो नंबर और सिर्फ एन का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट क्रिस्टल। ओके, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू एन। अब हमको एन यानी नंबर ऑफ एटम्स, एन की वैल्यू तो हमारे पास है, वही वैल्यू यहाँ पर रख देंगे 2.4098 × 10³। तो ये हमारे पास जो है इतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है, 2.4098 × 10³। अब हम नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू क्या होगा, 2n। तो n की वैल्यू हमको पता है, वो वैल्यू यहाँ पर पुट अप करेंगे 2 × 2.4098 × 10³। इसका आंसर क्या आएगा, 4.818 × 10³। ये हो गए नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ओके, अब हमको टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स मालूम करना है। टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स, इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्लस नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। इनकी वैल्यूज हमारे पास है, सिर्फ उनको पुट अप करना है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने हैं हमारे पास, 2.4098 × 10³। और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हैं हमारे पास, 4.818 × 10³। हमको यहाँ पर 10³ कॉमन निकालना पड़ेगा, 2.409। अभी यहाँ पर हम 8 को डिलीट कर देते हैं क्योंकि उसके बाद वाली जो वैल्यू है वो आफ्टर 0.3 डिजिट्स है, इसलिए प्लस 4.818 ऐसे ले लेते हैं × 10³। ये कॉमन ले लिया हमने ब्रैकेट के बाहर, तो ये दोनों को ऐड करने के बाद इसका आंसर कितना आएगा, 7.227 × 10³। ये हमारा जो थर्ड क्वेश्चन था उसका आंसर आ गया है, 7.227 × 10³। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये प्रॉब्लम्स समझ में आए होंगे। आप ये प्रॉब्लम्स अपने नोटबुक में फिर से लिखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए और लॉग बुक का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।